दोस्तों आज की कहानी है बहू तुम दोनों ननद भाभी बातें करोगी तो काम कौन मैं करूंगी। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। शिवली और मिताली सुप सत पर बैठकर हंस रही थी कि तभी उसकी सास पूर्णिमा देवी आई और दोनों ननद और भाभी को हंसते हुए देखा कर बोली, क्या बात हो रही है। भाभी और ननद में जरा मैं भी तो सुनो, इतना काम पड़ा है सब काम छोड़ करके तुम दोनों कर क्या रही हो। माँ वह भाभी कह रही थी कि मेरी शादी में वह डांस करने वाली है, वह उन्होंने नृत्य की शिक्षा ले रखी है, वह चाहती है एक डांस वह मेरी शादी में जरूर आ करे। मिताली ने शिवली की एल्बम दिखाकर माँ को कहा, पूर्णिमा देवी नेम बड़ी शिव जीव निकाल निकाल कर आश्चर्य दिखाया और ये स्थान आज हमारे घर में बहू नाचती नहीं आए। अगर बेटी होती तो और बात थी ना। ना ना मैं नहीं हूँ, परमिशन दूंगी नाचने का, थोड़ा गाना वाना डाले, ट्रक अमर मटका ले, ऐसे नाचना मैं नहीं बोल सकती, क्या मुंह दिखाऊंगी मैं। हम किसी नसनिया को लेकर आ गए हैं, मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करूंगी। अब चलो ये फोटो फोटो देखना बंद करो और निश्चय आकर काम में लगो। शिवली समझ गई कि अब माँ सिड़ गई है, वह आप भाभी से नाराज हो जाएगी और शायद दोनों ननद और भाभी को साथ में बैठकर बात भी नहीं करने देगी। अब वह अपनी माँ को कैसे मनाए, यही सोच रही थी कि उसके दिमाग में एक बात आई, माँ मुझे लगता है कि शादी के बाद मुझे अपना ये शौक बंद करना पड़ेगा कि ये जो मैं इतनी किताबें पढ़ती हूँ इसको तो यहीं रख कर जाना पड़ेगा। क्यों ऐसा कह रही हो, किताबें पढ़ना तो कितनी इज्जत की बात है। लेकिन माँ, निताई बाबू कह रहे थे कि उनकी माँ को पढ़ना लिखना पसंद नहीं है, उन्हें ऐसे किताब खोलकर पढ़ने वाली बहू अच्छी नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी पहले बता देते तो हम शादी ही नहीं करते। इतना मुश्किल से पैसा खर्च करके पढ़ाया लिखाया और तू इतना पैसा खर्च करके किताबें खरीदी हैं और बैठकर पढ़ती हैं। उस चक्कर में घर का कोई काम अभी नहीं करती है और कहती है कि तुम्हारी सासे तुमको पढ़ने नहीं देगी। यही समझ लो माँ, ये पढ़ाई लिखाई यही खत्म, अब वहाँ मैं सिर्फ बहू हूँ। बाबू और मुझे सिर्फ खाना बनाना और दूसरों को खुश करना है। कभी कभी अखबार अखबार पढ़ा लूंगी बस।
ये क्या कह रही हो तुम? मुझे गुस्सा मत दिलाओ, मैं अभी समदन को फोन करूंगी। ऐसा है तभी भी विवाह हुआ नहीं है। अगर मेरी बेटी को पढ़ाने ना ही मिलेगा तो मैं शादी तोड़ भी सकती हूँ। हाँ नहीं तो तुम साथ साथ फोन लगाओ। हाँ यही तो बात है, अगर भाभी के माता पिता को भी शादी के पहले मालूम पड़ जाता, उन्होंने जो इतना कत थक नाश का और कुसी पूड़ी का शिक्षा लिया है, वह शादी के बाद कभी भी नाश ना ही सकती, तो शायद वह लोग भी रिश्ता तोड़ देते। तब हमें इतनी अच्छी भाभी और तुमको इतनी अच्छी बहू नहीं मिलती। एक कदम से पूर्णिमा देवी का दिमाग का बत्ती जल गया। ओ रे शिवली, तू ये सब मजाक में कह रही थी ना, ताकि मैं तेरी भाभी का नाश पसंद करूं और तेरी शादी में उनका एक नाश भी रहने दूं। पूर्णिमा देवी ने कहा तो दोनों ननद भाभी हंसाने लगी। अच्छा ये प्लानिंग तो मैं दोनों का हाल है, रुको मैं अभी जाकर के शादी कैंसिल करा देती हूँ। हंसते हुए पुरानी माँ देवी देवी बोली। तब दोनों ननद भाभी एक साथ बोली, ना ना ऐसा नहीं करना, जो बात बहुत ही सीरियस हो रही थी और घर में लड़ाई की वजह बना सकती थी, जिस वजह से मिताली उदास हो जाती और ससुराल वालों को गलत समझ आकर सास बहू में दूरी हो जाती। वह शिवली ने बहुत ही समझदारी से संभाल लिया। उस दिन सियोली की भाभी ने अपनी बहुत ही सुंदर साड़ी निकाल कर दी, जो शिवली को बहुत पसंद थी, और कहा ये साड़ी लो, मैं सोसा थी तुम्हें साड़ी थी का से बांध, नींद नहीं आती और तुम इतनी सुंदर, और अब महंगी साड़ी का खराब कर लोगी। ये साल ये तुम्हें नहीं दे रही थी, पर जो लड़की रिश्तों को इतने अच्छे से सिलाई कर सकती है और सास बहू के रिश्ते को खराब किए बिना अपनी बात समझा सकती है, जिससे परिवार में किसी को बुरा ना लगे, वह लड़की ससुराल में रिश्ते भी संभालेगी और मेरी इस खूबसूरत साड़ी को भी। इसलिए ये साड़ी मैं तुम्हें उपहार में दे रही हूँ। वाकई शिवाली को वह साड़ी बहुत पसंद थी। आजा नैना दा और भाभी के दो सती का और प्रेम का नया अध्याय शुरू हुआ था, जिसमें दोनों बहुत अच्छी सहेलियां भी थी और एक दूसरे की मदद करने को तैयार रहती थी। ऐसा रिश्ता जो बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन ऐसे रिश्ते में प्रेम के साथ अंडरस्टैंडिंग भी होती है। काश कि सबको शिवाली जैसी ननद मिले। मिताली उस शादी में डांस करके सबकी प्रशंसा पा करो यही सोच रही थी।